रहीम जी, बढ़ते अपनी रेसिपी की तरफ। मेरे पास बीफ का गोश्त है, ये देखे मैंने ना इनको स्लाइसेस में काट लिया हुआ है। स्लाइस में आपको दिखाती हूँ, पतले पतले से हैं ये देखें जी। इनको मैंने ना 15 मिनट सिरके में डिप करके रख दिया हुआ था, नमक और सिरके में। तो अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करते हैं। पैन में मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून जो है ना ऑयल की डालती हूँ और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जी। काफ़ी हो गया, इसके लिए बड़ी अच्छी रखती है, बहुत कम ऑयल वाली रखती है। और गोश्त तो ईद वाले दिन सबसे जारी हो गया, अगर कोई कुर्बानी ना भी करे तो हम खाएंगे, घर से भी आ जाएंगे। तो काम भी जहाँ से भी गोश्त आए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डन है, अब हम इसको नीचे उतार रहे हैं, थोड़ा सा ठंडा होता है। तो अब हम इसके ऊपर मसाला जार लगाते हैं। यकीन करें कि ये रेसिपी मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने कहीं से कॉपी नहीं की है इसको, ना मैंने कहीं से देखी है। जब भी बड़ी ईद आती है ना तो हम ये वाली रेसिपी बनाते हैं, ये हमारी खानदानी रेसिपी है। चलिए तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मसाले अब उसके ऊपर जाएंगे। मैं एक दफ़ा मेंशन कर देती हूँ, लाल वाली कश्मीरी मिर्च है, नमक है, सूखा धनिया है वो क्रश हुआ हुआ है, चिली फ्लिक्स है, और ये बीफ मसाला है, गरम मसाला है, और थोड़ा सा जीरा है, हल्दी पाउडर है, और गरम मसाला है, और काली मिर्च है। सबसे पहले हम इसके अंदर लेमन का जूस डालते हैं, एक लेमन था हमने स्प्रिंकल कर दिया। अब ये सारे मसाला जा जो है ना इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करते हैं और इसको अच्छे तरीके से हला लेते हैं और 10 मिनट इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं। सारा मसाला जो है ना बूटियों के ऊपर लगा लेते हैं और ये बड़ी अच्छी रेसिपी बनने वाली है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए जी, मसाला हमारा डन हो गया, इसको 30 मिनट हम रेस्ट के लिए रखते हैं, फिर नेक्स्ट आपसे मिलते हैं। मैंने रख लिया, आप पतीले में पानी डाल के ऊपर ये छाननी रख के ना तो आप स्टीम कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक प्रॉपर बर्तन है तो मैं लिहाजा इसी से काम चलाऊंगी। तो ये पतीले में मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया हुआ है। इसको अब हम तकरीबन 50 मिनट जो है ना हल्की आंच पे रख देते हैं, इसका कवर इसको करके। ये देखिए, मिनट हम इसकी आंच तेज रखेंगे, फिर आस्ता आस्ता हम जो है ना इसकी आंच जो है ना कम कर देंगे और 45 मिनट जो है ना हम इसको स्टीम करेंगे। तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं, अब हम इसकी करंट सिचुएशन देख लेते हैं कि हमारा मीट अच्छे तरीके से गल गया कि नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी मीट हमारा गल गया हुआ है। चले अब हम आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं। बीफ स्टीम बन के बिल्कुल रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट मज़ीद किसी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। फिर मान अल्लाह।